डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग का। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनरली हम करते क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एरे की बात करें तो एरे में हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को स्टोर करना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक स्टोर करना है, तो मैं एरे की हेल्प ले सकता हूं, एरे में स्टोर कर सकता हूं। या फिर मेरे को लेट्स से कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करना है, मेरे को स्टोर करना लेट्स से वरुण सिंगला, तो मैं उसको भी कैसे कर सकता हूं, एरे लेके उसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग डाल सकता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरे पास इस तरीके का डेटा आता है कि जिसमें कैरेक्टर वैल्यू भी है और इंटीजर वैल्यू भी है, मतलब मेरे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप को मेरे को स्टोर करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो इसको सपोर्ट करे। अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मैं यूज करता हूं स्ट्रक्चर की। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेट से मेरे को स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। अब देखो, जनरली स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जैसे हम डीबीएमएस में करते हैं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में होता क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का नेम। अब रोल नंबर देखो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है ना, इंट टाइप ऑफ होगा। नेम होगा कैरेक्टर टाइप ऑफ। तो यार अगर इस टाइप का डेटा स्टोर करना है तो मैं एरे में नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशन है, वो सेम टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकता है। तो मुझे चाहिए एक ऐसा यूजर डिफाइंड टाइप ऑफ डेटा टाइप जो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सके। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले समझते, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे इंटरव्यूज में स्पेशली बहुत ज्यादा पूछा जाता है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पे स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इस तरीके से, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट लिख के और फिर करली ब्रेसिस स्टार्ट करना है। स्ट्रक्ट, करली ब्रेसिस स्टार्ट किया और मैंने लिखा लेट से यहां पर इंट आई, इंट आई, और दूसरी वैल्यू ले ली मैंने यहां पे लेट से कैरेक्टर सी, ठीक है, और यहां पे ब्रेसिस खत्म कर दी और लेट से मैंने यहां पे लास्ट में क्या लिख दिया, सेमीकोलन। अब ये एक क्या है, इसको बोलते हैं एक प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप है ये, प्रोटोटाइप भी कह सकते हो इसको, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो। अब इसमें हमने लिया क्या, इसमें हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए, मतलब इसको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। मेंबर मतलब कि इस स्ट्रक्चर के अंदर दो अलग अलग टाइप ऑफ मेंबर्स हैं, एक इंटीजर मेंबर है और एक कैरेक्टर मेंबर है। और इसमें होगा क्या, इसमें हम इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट कहलाता है। मतलब ब्लूप्रिंट इसको क्यों बोल रहे हैं, प्रोटोटाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेमोरी कोई एलोकेट नहीं हुई। मतलब इसका कि जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में नहीं लिखते इंट, इंट के साथ इंट आई, इंट एक्स वाई जेड कुछ भी, तो अभी मैंने सिर्फ एक इंट लिखा, अभी मैंने ये जो आगे मेंशन नहीं किया कि भैया मैंने कोई वेरिएबल यहां पे नहीं मेंशन किया। ऐसे यहां पे मैंने अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन किया, एक ब्लूप्रिंट आपको दिखा दिया। लेकिन जब मैं यहां पे इसके अंदर क्या दूंगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल मेंशन करूंगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल का मतलब क्या है कि लेट से मैंने यहां पर क्या लिखा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब जैसे इंट के साथ हम लिख देते हैं ना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि एक एक्स है उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, वाई को मेमोरी एलोकेट होगी, जेड को मेमोरी एलोकेट होगी। इसी तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास तीन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है, एक्स वाई एंड जेड। इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, पिक्चर जो है वो दिमाग में बनाओ। पिक्चर कैसे बनेगी, आप इसको इस तरीके से विजुलाइज करो कि एक एक्स है, जैसे यहां पे नॉर्मल एक्स है, इसमें इंटीजर वैल्यू डालेंगे। यहां पे एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर दो मेंबर्स हैं, दो मेंबर्स हैं, मतलब एक्स जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर दो मेंबर्स हैं, एक आई टाइप का, मतलब एक इंटीजर है आई और एक कैरेक्टर है सी,
ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ऐसी एक y यहां पे वेरिएबल है, y वेरिएबल में दो मेंबर्स हैं, एक इंटीजर मेंबर है और एक कैरेक्टर है, तो इसके अंदर दो इस तरीके से। अब आप इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दो, इसमें कैरेक्टर वैल्यू, इसमें इंटीजर वैल्यू, इसमें कैरेक्टर वैल्यू, ऐसी एक z बन गया और z के अंदर भी वही सेम एक इंटीजर मेंबर है और एक कैरेक्टर टाइप का मेंबर है, और इसमें भी आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये है एक्चुअल में इसकी विजुअलाइजेशन कि कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, और यहां पे इसका बेसिक आप कोड देख सकते हो, बेसिक डिक्लेरेशन। तो देखो स्ट्रक्चर के साथ हमने क्या लिखते हैं, ये जो यहां पे जो लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर टैग, मैंने यहां पे स्ट्रक्चर टैग नहीं लिखा, मतलब स्ट्रक्चर टैग जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आप इसके साथ कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप बना रहे हो तो एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे डीबीएमएस में हम करते हैं ना टेबल क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो टेबल एक बन जाता है, उसके अंदर आप कोई भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। ऐसे ही अभी एक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हमने नेम नहीं दिया, बट नेम देना जरूरी है। नेम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको बाद में इसको यूज करना होता है, मतलब प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यूज देनी है, कोई वैल्यूज को यूज करना, कोई वैल्यूज को आपको प्रिंट करवाना है, तो आप उस नेम से उसको प्रिंट करा सकते हो, आपको इजी रहेगा। तो ये चीज जो है वो कहलाती है स्ट्रक्चर का टैग। देन मेंबर वेरिएबल, जैसे ये आपने मेंबर वेरिएबल ले लिए दो मैं इस तरीके से, और फाइनली स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड। आप यहां पे अगर इस तरीके से नहीं भी लेना चाहते ना, मतलब जनरली हम ऐसे नहीं भी लेते, हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, अलग से लिखने के लिए, जैसे देखो स्ट्रक्ट अलग से लिखने के लिए मेरे को फिर यहां पे कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहां पे नेम दे देता हूं, इसको नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैंने नेम दे दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अगली लाइन में मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां पे ना मेंशन करो, ये भी एक तरह से ऑप्शनल फील्ड है, आप अलग से भी लिख सकते हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। लेकिन ये फिर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है इस स्ट्रक्चर का नेम, तो फिर नेम देना जरूरी हो जाएगा ताकि मैं उस नेम के बेसिस पे बाद में उसको यूज कर सकूं। अब आप इसमें कोई भी वैल्यूज डालना चाहते हो, वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे आपको यहां पे डालनी है y के i के अंदर डालना है 10, तो आप कैसे डालोगे इसको, डालने के लिए फिर वही struct, struct के साथ आपने नेम ले दिया जी, इसका स्टूडेंट है ये स्ट्रक्चर कौन सा स्टूडेंट, और उसमें आप देना चाहते हो y की वैल्यू, मतलब y जो है उसके अंदर आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, तो मतलब y के अंदर भी किसमें देना चाहते हो, i के अंदर, y के अंदर जो i है उसमें आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। और अगर दोनों में देनी है वैल्यू तो फिर आप कैसे लिख सकते हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ आपने क्या लिख दिया, लेट्स से y लिख दिया, और y में आप दोनों वैल्यू देना चाहते हो तो कर्ली ब्रेसिस, मतलब पहली वैल्यू क्या है, पहली इंटीजर वैल्यू है तो 10 दे दी, दूसरी कैरेक्टर वैल्यू में लेट्स से आपने दे दिया a, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज जो है वो मेंशन कर सकते हो, मतलब वैल्यूज जो है इसमें डाल सकते हो, जैसे हम int i is equal to 10 करते हैं, int x is equal to 5 करते हैं, वो चीज हम इस तरीके से की जा सकती है। तो ये बेसिक सी कहानी है स्ट्रक्चर की, प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और इसका एक बेसिक प्रोग्राम भी मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, पूरा एक तरह से पिक्चर बन जाए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो ये देखो यहां पे मैंने वही एग्जांपल ले लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इंट एज कैरेक्टर नेम, तो इस तरीके से मैंने पहले स्ट्रक्चर का एक प्रोटोटाइप बना दिया, स्ट्रक्चर का एक प्रोटोटाइप ब्लूप्रिंट बना दिया, और नेम उसका टैग, इसको क्या बोलते हैं हम, टैग क्या दे दिया जी, स्टूडेंट, और दो मेंबर ले लिए, एक एज और एक नेम, ठीक है, इंट एज और कैरेक्टर जो है वो नेम हो गया। उसके बाद हमने यहां पे अभी कोई वेरिएबल नहीं बनाए, स्ट्रक्ट के कोई वेरिएबल नहीं बनाए, वेरिएबल हम नीचे बना सकते हैं, इंट मेन स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस वन, यहां पे मैंने एक एस वन नाम का वेरिएबल बना दिया और उसमें वैल्यू डाल दी 1, 1, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। अब उसको आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट कराने के लिए एस वन डॉट नेम, ये याद रखना s1.name, अकेला नेम लोगे या अकेला एज लोगे तो वो एक तरह से एम्बिग्यूटी है, क्योंकि हम s1 लिया, आप s1 के अलावा s2 ले सकते हो, s3 ले सकते हो, तो पता कैसे लगेगा कि एज आप किस वैल्यू के अंदर, किस मेंबर के अंदर या किस वेरिएबल के अंदर की एज आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो इसीलिए s1.name s1.age लिखना जरूरी है, तो तब आपका फाइनल में 1 और 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट जो है वो याद रखना, बेसिक पॉइंट्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप आगे की कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सकते हो। थैंक यू।